तो आज मैं लेकर आई हूँ 10 मिनट में बनने वाली सिंपल वेज थाली। इस थाली में आज हम बनाएंगे आलू की सब्जी बहुत ही डिफरेंट तरीके की, और बनाएंगे पूड़ियाँ बिल्कुल अलग तरीके से, साथ में बनाएंगे रायता बूंदी का। तो चलिए हम अपनी सिंपल सी वेज थाली स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मालाज कुकिंग तड़का में। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं। तो आलू को हमने छील लिया है, और अब हम क्या करेंगे, जो 2 आलू हैं इन्हें हम इस तरीके से हाथों से ही तोड़ लेंगे। देखिए, इसे मैं काट नहीं रही हूँ, इसे हाथों से ही इस तरीके से आप तोड़ लें। तो दोनों आलूओं को हम तोड़ लेते हैं, 2 आलू अभी हम रख देते हैं। ये देखिए, आलूओं को मैंने अच्छे से तोड़ लिया है। अब इसका हम मसाला बना लेते हैं। तो इसमें लेंगे हम एक कटोरी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच हम ले लेंगे गरम मसाला, और आधा चम्मच ले लेंगे धनिया पाउडर। तो मैंने अभी चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन एक आइडिया हो जाता है बनाते बनाते, तो मैं उसी आइडिया से आपको बता रही हूँ। आधा चम्मच चाट मसाला लेंगे, आधा चम्मच पाव भाजी मसाला लेंगे, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च लेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। दोस्तों, जब हम इस तरीके से मसाला डालेंगे तो हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम ये सब्ज़ी आज कुकर में बनाएंगे। तो कुकर हमने गैस पे रख दिया है, गर्म हो जाएगा तब इसमें तेल डाल दीजिए। इसके बाद इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए, और अब ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर दें। तो ये देखिए, लहसुन अदरक और हरी मिर्च को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चा पन्ना निकल जाए। इसके बाद जो हमने प्रिपेयर मसाला रखा था पहले ही, उसे डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और अब मसाले को बढ़िया से भून लेंगे। जैसे ही मसाला भून जाएगा, इसमें हम टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे। इसे मैंने 3 टमाटर लेकर के ग्राइंडर जार में पीस लिया था, बस ये वही ग्रेवी है। इसे डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। अब टमाटर की ग्रेवी के साथ में मसालों को बढ़िया से भून लेंगे। तो ये देखिए, मसाला हमारा धीरे धीरे अच्छे से इसे भून लीजिए। इकट्ठा तेज़ आँच मत करिएगा, मीडियम और लो के बीच में मसाले को बढ़िया से भूनिए। अब इसी समय इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे अच्छे से हम चला देंगे, कसूरी मेथी को भी भून लेंगे। और हमारा जो मसाला है ये लगभग भून चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू तोड़ करके रखे थे हाथों से, वो आलू इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए, आलूओं को हमने इसमें डाल दिया है। अब आलू को मसाले के साथ में चलाएंगे, और इसे हम 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेंगे। दोस्तों, आलू और मसाले को जब इस तरीके से आप भून लेते हैं तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे, पानी अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें डाल दीजिए। अब इसे हम क्या करेंगे, ऊपर से हम इसका ढक्कन लगाएंगे, लेकिन ढक्कन की हम सीटी नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही इसे हम ढक देंगे और 5 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने देंगे। जब तक सब्जी पक रही तब तक हम एक आटा लगा लेते हैं। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, 1 कप मैं ले रही हूँ बेसन। आप चाहे तो मल्टीग्रेन आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून सूजी ले रही हूँ, इससे हमारी पूड़ियाँ खस्ता और करारी बनेंगी। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इन सभी मसालों को डालने से जो हमारी पूड़ियाँ बनेंगी बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे, और अब इसके बाद जो हमने 2 आलू बचा कर रखे थे वो इसमें ग्रेट करके हम डाल देंगे। तो देखिए, आलूओं को इस तरीके से इसमें ग्रेट कर दीजिए। आप चाहें तो आलू को अच्छे से मैश करके भी डाल सकते हैं, बस ये ध्यान रहे कि 8 आलू में कोई गुठली ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये थाली बहुत ही कम समय में बन जाती है, सिंपल सी थाली है। कभी भी आपका इस तरीके का खाना खाने का मन हो, एक जैसा खाते खाते बोरियत हो जाती है, तो ये कुछ अलग तरीके की रेसिपी आप बना करके ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, आलू को हमने ग्रेट कर दिया है, दोनों आलूओं को इसी तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। और अब इसमें 1-2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे या घी डाल देंगे, इसके बाद हाथों से इसे मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, अभी हम बिना पानी के इसे ऐसे ही सानेंगे, जब ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने आलू भी डाले हैं तो आलू में काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें डालकर एक सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है, आटे को रख देंगे। अब इधर हम सब्जी देख लेते हैं। तो सब्जी भी बढ़िया सी हमारी पक गई है। तो दोस्तों, सब्जी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, और सब्जी इस स्टेज पे पक चुकी है। तो हम अब इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे, और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपल तरीके से भी हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनी है। तो चलिए, अब सब्जी को रख देते हैं साइड में, अब रायता बना लेते हैं।
दोस्तों बूंदी का रायता बनाने के लिए जो हमने दही लिया है, दही बिल्कुल फ्रेश लिया है, खट्टा दही इस्तेमाल ना करें। अब दही को इस तरह से विस्कर से आप मथ लें। इसके बाद इसमें आधा कप हम पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें ये बूंदी का रायता बनाना है और बूंदी बहुत पानी सोखती है, इसलिए आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसे भी अच्छे से विस्क कर लें ताकि दही और पानी अच्छे से मिल जाए। अब इसमें आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे, आधा चम्मच भुना जीरा का पाउडर डाल देंगे और 1/4 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे और आधा चम्मच हम डाल देंगे नमक। इसके बाद एक छोटी सी बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल देंगे और इसके बाद आधा कप मैंने ये बूंदी ली है तो आधा कप बूंदी भी इसमें डाल देंगे। और ये मेरे पास रायता मसाला है तो मैं रायता मसाला डाल रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी को अपलोड कर दूँगी। तो ये देखिए आधा चम्मच रायता मसाला मिला देंगे। अब इसके बाद ये जीरे का तड़का है, मैंने साधारण जीरा तेल में तड़का लिया है और इसमें लगा दिया है। और ये देखिए तड़का लगाने से जो ये रायता है बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो ये लीजिए दोस्तों, रायता भी हमारा रेडी है। ऊपर से इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे, इसका फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाएगा। अब रायता एक साइड में रख देते हैं और अब आटा देख लेते हैं। तो आटा भी हमारा लगभग तैयार हो चुका है। इस तरह से हाथों से फिर से इसे अच्छे से मसल लेते हैं। इसके बाद एक हम लोई तोड़ेंगे, बड़ी सी लोई मैं इसमें तोड़ रही हूँ। और ये देखिए लोई को अच्छे से गोल कर लेते हैं, चपटा करके उसका पेड़ा का शेप दे दीजिए और इसके बाद थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिए और इसे बेल लीजिए। तो ये देखिए ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। अब एक कटोरी ले लीजिए या एक कोई ग्लास ले लीजिए और उसे इस तरीके से कट कर लीजिए। इस तरीके से जब हम कट करके पूड़ियाँ बनाएंगे तो सारी पूड़ियाँ एक जैसी एक माप की बनेंगी। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी पूड़ियाँ तैयार है। तो सारी पूड़ियों को इसी तरीके से तैयार कर लिया मैंने। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और इस पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और पूड़ियों को इसमें डाल देंगे और इस तरीके से हम कलछी से एक एक पूड़ी को डाल के दबाते जाएंगे। इस तरीके से जब हम दबा के पूड़ियों को बनाते हैं तो पूड़ी अपने आप से बहुत ही बढ़िया सी फूल जाती है। तो ये आप देख रहे हैं सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल गई हैं। तो दोनों तरफ से बढ़िया से खस्ता होने तक इन्हें सेक लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी पूड़ियाँ भी तैयार हैं और अब हम अपनी थाली लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं ना आप कैसे 10 मिनट के अंदर हमारी थाली बन करके तैयार हो गई। तो सबसे पहले हम अपनी सब्जी को सर्व कर लेते हैं। दोस्तों ये सिंपल सी थाली है, बहुत ही आसानी से 10 मिनट के अंदर बन करके तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में तो गजब की हमारी ये थाली बन करके तैयार हुई है। तो दोस्तों रायते में ऊपर से मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है, इससे देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और अब इसमें प्याज और टमाटर का हम सलाद रख देते हैं, साथ में हरी मिर्च और नींबू भी रख देते हैं। इसके बाद मैं ये रख रही हूँ चावल के रसगुल्ले हैं, इसकी रेसिपी मैंने कल अपलोड की थी, आप जा कर के लिंक में ज़रूर चेक करें, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ में मैंने पूड़ियाँ लगा दी हैं और अब आप देख रहे हैं ना हमारी सिंपल सी ये वेज थाली 10 मिनट में बन करके तैयार है। घर पे खाएं, फैमिली वालों को खिलाएं या फिर मेहमानों के आने पर बनाएं, बहुत ही आसान और सिंपल सी हमारी ये थाली बन करके तैयार है। दोस्तों इस थाली में हमने जो सब्जी बनाई है वो बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन इसमें जो हमने मसाले ऐड किए हैं उस मसाले को ऐड करने के बाद में ये सब्जी बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट की बनती है। तो दोस्तों इस तरह की आसान और सिंपल सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फुल सपोर्ट करें। साथ ही अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।